नोटबंदी से भी बुरी हुई शहर के एटीएम की हालत, अपने ही पैसों के लिए भटक रहे लोग। शहर में इन दिनों लोगों को अपने ही पैसों को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों की पैसों की जरूरतें भी बढ़ गई हैं, पर शहर के सभी एटीएम कई दिनों से खाली पड़े हैं और अगर इसमें से किसी भी एटीएम में पैसे आने की खबर मिलती है तो लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं और जब तक कतार में पीछे खड़े हुए व्यक्तियों का नंबर आता है एटीएम के पैसे खत्म हो चुके होते हैं। यही नहीं, शहर की अस्पतालों के पास के एटीएम का भी हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को पैसे के लिए भटकना पड़ता है। लोग एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए करते हैं क्योंकि इससे सहजता से कहीं भी पैसे निकाले जा सकते हैं, पर इन दिनों एटीएम से पैसे निकालना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दूर दराज गाँव से भी लोग शहर में आते हैं कि एटीएम से वो पैसे निकाल कर अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। बदलते मौसम को देख किसान भी पैसे निकाल मशीन के द्वारा अपनी कटाई गहाई का कार्य करना चाहता है, लेकिन पैसे ना मिल पाने से उसकी पकी फसल पर भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शनिवार और रविवार जहां बैंकों की छुट्टी के दिन है, तो इन दिनों शहर के एटीएम की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों के धरने और विरोध प्रदर्शन के बाद अब एटीएम भी धरने पर हैं। लोगों को कितनी भी जरूरत हो एटीएम से पैसे की उम्मीद करना गलत है। जो बैंक के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आज छुट्टी मनाए हुए हैं तो कोई पैसे डालने आ ही नहीं रहा। हम लोग ताके हुए हैं कि 2-4 हज़ार रुपये मिल जाए कोई काम करें। स्थिति इतनी खराब है कि अब इंसान क्या करें। पैसा लेने का क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा कोई काम से आप पैसे के लिए? पैसे की गृहस्थी में अब हर आवश्यक शादी ब्याह का मौका है, घर में शादी है जी, निकल रहा है, एक भी पैसा निकल रहा है, 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे शहर के किसी भी एटीएम में। सिरमौर चौराहा में गए, सिरमौर चौराहा की UBI में गए, यहाँ पे एक्सिस बैंक में, HDFC में, स्टेट बैंक में, किसी एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा है। सुबह से लाइन लगे हुए हैं।